हेलो दोस्तों, आज मैं देखने आया हूँ लखनऊ का इमामबाड़ा। और आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है रूमी गेट, जिसे पुराने समय का लखनऊ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इमामबाड़े के अंदर चलते हैं और देख आप मेरे सामने देख सकते हैं ये इमामबाड़े का मुख्य दरवाज़ा है, जो कि पूरी ही मुगलिया शैली से बनाया गया है। मैं लखनऊ पहली बार आया हूँ तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि यहाँ टिकट वगैरह कहाँ मिलती है। चलो इन भाई साहब से पूछते हैं। भैया टिकट कहाँ से मिलेगी? सामने से वो गेट हाँ। और ये चप्पल जूते उतारने की, चप्पल जूते कहाँ पे उतारते हैं? अंदर जी। धन्यवाद। तो गैस मैं वो अंदर आ चुका हूँ। अंदर आने पर मुझे सबसे पहले अपना बैग जमा कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर अपना बैग जमा कराएंगे, देखते हैं इनका क्या है। तो यहाँ पर भाई साहब ने हमसे 5 रुपये चार्ज करे बैग जमा करने के। यहाँ पर हमने बैग जमा करा दिया है, अमानती सामान गिरा। यह है आपका इमामबाड़े का मेन गेट और उसके सामने एक खूबसूरत बगीचा। यहाँ से आप कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी, हाय खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी। जे हार नी बनाड़ा गोरिए, मैनू चंजर बना ले पैर दी, जे हार नी बनाड़ा गोरिए। तो दोस्तों टिकट हमने खरीद ली है, कुछ है आपको दिखा दूंगा। हमारे 50 रुपये की यहाँ टिकट मिलती है और यह है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर और यह यहाँ पर गाइड की रेट, 2 लोगों के लिए 100 रुपये, 5 लोगों के लिए 25 रुपये और कुछ ऐसे 16, 20, 25 रुपये। तो दोस्तों टिकट अब हमने ले ली और चलते हैं इमामबाड़ा के अंदर और दिखाते हैं आपको इमामबाड़ा। आप मेरे पीछे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो बनाना या टिकटॉक बनाना, रील्स बनाना पड़ जाता है, और ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी इसके लिए अगर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे दाहिने हाथ पर देखेंगे तो ये आसिफ मस्जिद है। ये सिर्फ गुरुवार को ही ओपन होती है और यहाँ पर गैर मुसलमानों का आना वर्जित है। बड़ा इमामबाड़ा में आने वाले पर्यटक सराजान गुफ्तगु कह पाना है, मकसद आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ की अधिमुशान इमारत बड़ा इमामबाड़ा में है। लाजवाब इमारत खाने की स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है, यानी इबादतगाह के साथ आने वाले मेहमानों के लिए लुत्फानंदोज़। बताइए बताइए बताइए। एक मिनट भैया, इसको भूलभुलैया से पहले बनाया गया शाही बौली, इसी के पानी से भूलभुलैया, गोमती नदी से ये कनेक्ट था, गोमती नदी से ये कनेक्ट था, इसको शाही बौली कहते हैं। शाही दौर बादशाह नवाबों के टाइम में बनी, और पानी के सप्लाई के लिए क्यों बनी? क्योंकि गोमती नदी दूर थी। एक मिनट ध्यान दे लें आप लोग, थोड़ा साइलेंस हो जाए। ये गोमती नदी से कनेक्ट थी, पानी की सप्लाई के लिए बनाया। आइए जी सर, अभी हम लोग को वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, अब वहाँ से हम ही लोग खाली हम लोग को दिख रहे थे। यहाँ से पूरा डस्टबिन, गेट, पेड़। अभी एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए, इधर आ जाओ इधर। तो ये चीज हम जो है अभी देखिए, अभी हम करने जा रहे हैं। एक मिनट, सब लोग ध्यान दे लिए। हाँ ठीक, सब लोग देखिएगा, भूलभुलैया के बाहर से नहीं दिखेगा आपको। ये चीज नवाबों ने बनाई है एंटी सब, किफायतुल्ला। देखिए मैम, जो भैया देख चुके ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते रहे भाई, देखिए भाई जो भी आ जाएगा आपको पानी में दिख जाएगा, लेकिन आप लोग देख लोगे दीदी, वहां वाला नहीं देख पाएगा भैया। चलिए ऊपर सीढ़ी पे चढ़िए, राइट हैंड में देखिए दीदी।
एक दो तीन चार, चार मंजिला है। इसमें गोमती नदी का पानी आता था बोलते हैं। ये सामने जो सीढ़ियों से लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले उस पानी में दिखाई दे रहे थे, तो अच्छे से दिखाई दे। ये बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये हम पानी की आने वाली बावड़ी को देख के बाहर आ चुके हैं। तो ये गार्ड हमें बता रहा था कि जब ये इमामबाड़ी का निर्माण शुरू हुआ था तो इसी बावड़ी के पानी से इमामबाड़ी को बनाया गया था। इससे ज्यादा दूरी भूलबिया में 900 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का आप देख रहे हैं, वो 1 किलोमीटर वाला आपको नहीं देख पा रहे। तो ये चीजें आज के मिस्त्री से गए घंटों बगले जाकेगा कि कैसे बनाए, तो बनाने वाला बना के गया। यहाँ पर रोशनी अंदर में अंधेरा, इसी को। तो दोस्तों, ये हम भूलबिया के गेट पर आके खड़े हो गए हैं और ये गार्ड हमें बता रहा है कि यहाँ से 45 सीढ़ी ऊपर अंदर जाने का रास्ता है। तो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। 45 सीढ़ी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये 45। तो दोस्तों, 45 सीढ़ी ऊपर आ चुके हैं, अब चलते हैं भूलबिया के अंदर। वो डायरेक्ट रास्ता ही अंडरग्राउंड भूलबिया यहां से स्टार्ट हो रही है। वो डायरेक्ट है, इधर से लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट भाई, देखो एक ही रास्ता है यार, सीधे नीचे। यहां से नीचे कहां से कहां है? यहां से नीचे उतरना है भाई। अरे नहीं, ये तो बाहर रोड के लिए है। अरे बंदे आगे कुछ नहीं है, डायरेक्ट नीचे हो खो गए। क्या है ये? क्या चीज़ है? इसने यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए ताकि लोग जाने शहर के अंदर में। रास्ते थे दिल्ली, आगरा एंड फैजाबाद के नाम से मशहूर, लेकिन मशहूर रास्तों में ये रास्ते 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये खुलते थे। कि जो लोग जाते थे चैलेंज करके कि मैं आ जाऊंगा, ऐसे भूलबिया में लोग चैलेंज करते हैं, वापसी में कहते भैया आप ही निकाल के चलो, आप ही लेके चलो, मतलब क्योंकि हम नहीं निकल पाएंगे। चलिए चार नंबर गेट पे चलिए, ये पहले गेट से चार नंबर पे। ये लोकल सिटी के रास्ते थे, दिल्ली आगरा फैजाबाद के नाम से बदनाम थे लेकिन लोकल में खुलते थे। चलिए गेट नंबर चार पे चल। अरे तो वही है ना, मस्जिद बनाई थी उस लड़की के लिए। उसको ये अनुमान नहीं हुआ कि आदमी लंबा भी हो सकता है। तो जनाब सब तो एक जैसी बनाई ना, बनाई पूरी एक ही जैसी, जैसे एंट्री सबकी एक जैसी, कोई किसी का भेदभाव नहीं, सब आए अंदर, सब मेरे मेहमान है। चलिए दूसरी मंजिल पे आ गए। ये दीवार यहाँ से पोली है, इसमें कान लगा होगा। कौन सी है टूटी हुई? जो टूटी वाली दीवार है वहाँ उसके आगे चलिए। अच्छा अच्छा, यहाँ से आगे, ये टूटी दीवार से। हाँ पोली दीवार है, बज रही है। नहीं अभी तक तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है यहाँ पे। आ रही है आपको आवाज? अच्छा ना, सब चिल्ला रहे हैं, आवाज सुनाई देगा, उल्लू बना रहा है।
ये भूल भुलैया की बैक साइड की छत है, ठीक है, और ये इसकी गैलरी है। अभी भी नीचे रेड कार्पेट बिछा हुआ है। ये भूल भुलैया की छत है। फोटो हो गया हो तो सब लोग इधर आ जाए, अगर हो गया कीजिए फोटो। हो गया फोटो, हो गया हो गया, चले जाए, चले चले जाए सर। हाँ हाँ बिल्कुल चले जाए, आइए। अभी नीचे आपसे पूछा जाएगा किधर से चल रहा है। आइए भाई, लेफ्ट में मुड़ेंगे भैया, सीढ़ी लेफ्ट में उल्टे हाथ को है। ये लेफ्ट पीछे का रास्ता, उधर होगा, उधर लास्ट में। अभी यहाँ पे भी तो आए क्या हम लोग फोटो? अरे वही होगा यार। ओ मैं तो खो गया। ओ कहाँ गए सब लोग? ओ इधर है। बाहर निकलेंगे क्या तुरंत? अभी कहाँ निकलेंगे? अभी तो खोएंगे इसमें। ये पकड़ दो मैं, ले तुम साथ में चलो। क्या साथ में? हाँ आलू फ्री में चलो। हम तो लोकल हो गए ना, इधर साइड हो जाओ। हम तो बाहर से आगरा वाले। जी जब तो लोड तब पता नहीं सिम खजाना चले किसी जाइए जो हो नीचे नीचे भी चल जाइएगा, बस ऊपर हो कि किसान ना हो बस। आधे लोग इधर से निकल गए। अरे रुक गए तो चलिए भैया, चलिए हाँ नीचे चलिए, नीचे सीधे 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 नीचे, लेफ्ट में लेफ्ट में राइट में तो रास्ता, अभी तो कह रहे थे सीधे जाओ लेफ्ट में नीचे। घुमा दिए भाई इनको सीधे, आप ऊपर से आ रहे हो ना, यदि जानवर दिखेंगे या इंसान दिखेंगे। आवाज निकालो यार, जा रहे हो जा रहे हो, कई टुकड़ों मार देंगे। सीधे तो उतर के आ रहे हैं वहां से, ये लोग कहां से आ रहे हैं? आप कहां से आ रहे? अरे यही लेफ्ट में उतरेंगे, लेफ्ट में उतरिए, नीचे नीचे तो बंदे हैं। लेफ्ट साइड पे उतरिए, देखिए दोनों साइड से बात किया, हम उधर से ही भेजते हैं। भाई खुद नहीं मालूम क्या बात है। जी नीचे उतरिए भैया, चलिए हां क्या थोड़ा अच्छा मजा आ रहा है, पैसा वसूल हो रहा है। देखिए है ना, लाइट लगा देंगे, दीवारें कमजोर हो जाएंगी यार, इसलिए लाइट नहीं लगा रहे। लाइट लाइट दीवालों को कमजोर कर देगी, एसी लगा दो, इलेक्ट्रिक साइड का सामने चलेंगे। इधर राइट को भैया, इधर हेलो साइड में, राइट साइड में, इधर राइट साइड में, इधर चल जाओ आप लोग, चलो घर जाना है क्या? हां भी बॉली दिखाई, इधर चलिए, इधर चलिए राइट में। कौन सा अभी दिखा रहा भैया? एक मिनट। हां जा रहे हो बंदे के नीचे, चलो कब ना हुआ ऊपर जाओगे क्या? अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर, कहाँ जाना है यहाँ से? इधर ही खड़े हो जाओ, साइड में।
दोस्तों एक बार गार्ड ने फिर मेरा मोबाइल पकड़ के बंद करा दिया था, इस चक्कर में मुझे वीडियो फिर से बंद करनी पड़ी। वो ये मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? खैर छोड़ो, हमारी तो शक्ल ही ऐसी है, बिना चाहते हुए भी देख ही लेता है। चलो तो दोस्तों भूल भूलिया तो हमने घूम ली, बाहर चलते हैं थोड़ा बहुत बात करते हैं।